शशि का जन्म एक राज घराने में हुआ था, पर वहाँ के ज्योतिषी का मानना था शशि राज्य में बदनसीबी लाएगी, इसलिए उसे सिंधु नदी में फेंक दिया गया। शशि नदी के पार एक धोबी को मिली जो शशि को बेटी बनाकर पालने लगा। एक बार बलूचिस्तान राज घराने का बेटा पुन्नू शशि के गाँव आया। खूबसूरत शशि को देखते ही पुन्नू को शशि से पहले नजर का प्यार हो गया। शशि और पुन्नू दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और पुन्नू के भाई एक रात पुन्नू को नशा कराकर धोखे से बलूचिस्तान ले गए। दूसरे दिन शशि को एहसास हुआ पुन्नू को उससे दूर कर दिया गया है और वो रेगिस्तान के रास्ते पुन्नू को ढूंढने निकल पड़ी। फिर एक झोपड़ी से उसे एक चरवाहा निकलते दिखा जिससे शशि ने पानी मांगा, पर चरवाहे ने शशि पर अपनी बुरी नजर डालते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। शशि किसी तरह भागते हुए ऊपर वाले से मदद की दुआ करने लगी, तभी रेगिस्तान बीच से फट गया और शशि दफन हो गई। पुन्नू को होश आते ही वो शशि को ढूंढते हुए वही रेगिस्तान में आ गया जहां उसे शशि की आप बीतती पता चली। पुन्नू ने भी ऊपर वाले से शशि का साथ मांगा और वो भी उसी जगह दफन हो गया।